बस बहुत हो गई ताखीर, पंजाब असेंबली की नई इमारत आइंदा साल मुकम्मल कर लेंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही पुर अज़्म दिखाई देते हैं। 13 सालों में 88 करोड़ रुपए से इमारत का सिर्फ ढांचा ही खड़ा हो सका। गैर मामूली ताखीर से लागत 1 अरब 30 करोड़ से बढ़कर 4 अरब रुपए तक जा पहुंची है। यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। यासीन बताइएगा, कब तक ये इमारत तामीर हो जाएगी? पंजाब असेंबली प्रवेजरा ने दावा किया है कि पंजाब असेंबली की नई इमारत आइंदा साल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। जो प्रवेजरा ने बता रहे वजी अला पंजाब 13 साल कबल 2005 में नई इमारत तमीर करने का आगाज किया था, जो 2006 में मुकम्मल होना थी। 13 सालों में 88 करोड़ रुपए की रखती रकम से इमारत का सिर्फ ढांचा ही खत्म बन सका है। नई इमारत की तमीर में गैर मामूली तखीर के बहस लागत तखमीना 1 अरब 38 करोड़ से बढ़कर 4 अरब रुपए तक पहुँच गया है। सबका हुकूमत ने 3 माली सालों में नई इमारत के लिए कोई फंड नहीं मुख्य न किए थे। सियासी रसाकशी और सियासी दावत के बहस नई इमारत तकमील में गैर मामूली तखीर हुई, जबकि फंड की अदम फरामी और ठेकेदारों की रवायती सुस्ती भी मनसूबे की तखीर का बहस बने। जबकि जब स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से रब्ता किया तो उन्होंने लाहौर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रखी पंजाब असम्बली की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए हमारी हुकूमत ने 2005 में नई बिल्डिंग का आगाज बुनियाद रखा था। मेरे दौर हुकूमत में इसका 70% काम भी मुकम्मल हो गया था, मगर अफसोस की मेरी हुकूमत खत्म होने के बाद 10 साल गुजरने के बावजूद इस इमारत को मुकम्मल ना किया जा सका, मगर अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये इमारत मुकम्मल कर ली जाएगी। जी, पंजाब असेंबली की नई इमारत आइंदा साल मुकम्मल करने का अज़्म, बहुत शुक्रिया आपका यासिन मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।